फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज अपनी एजुकेशनल सीरीज में ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। और हाँ दोस्तों, उस बीमारी का प्रोनाउंसिएशन ब्रोंकियल अस्थमा नहीं, ब्रोंकियल एस्मा है। WHO के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अस्थमा की बीमारी है। एस्टिमेट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि 10 में से हर 1 भारतीय को ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी होती है। फ्रेंड्स, ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी बहुत सारी अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के साथ लिंक्ड होती है, जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शंस, नेजल पॉलिप और साइनसाइटिस। ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी में हमारे शरीर में 3 टाइप की कोशिकाएं एक्सेस मात्रा में देखी जाती हैं। ये होती हैं मास्ट सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। और इसमें से मास्ट सेल्स हमारे शरीर में हिस्टामिन नामक केमिकल ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को एलर्जिक सिम्टम्स दिखते हैं। जान लेते हैं एस्मा की बीमारी में कॉमनली कौन से ट्रिगर्स होते हैं। कॉमनली देखा जाता है स्मोकिंग, जो कि एक्टिव या पैसिव फॉर्म में हो सकता है। दूसरे होते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तीसरा होता है एक्सपोजर टू डस्ट, पोलन, वेदर चेंजेस। जब भी टेम्परेचर में हद से ज़्यादा वेरिएशन होता है, वो एक कॉमन ट्रिगर होता है। उसी के साथ साथ एयर पोल्यूशन, और कुछ लोगों में सीवियर एक्सरसाइज या इवन मेडिसिन जैसे कि पेन किलर्स एस्मा को ट्रिगर कर सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में इमोशनल स्ट्रेसर्स या एंजाइटी के बाउट्स के साथ साथ सिंगिंग, लाफिंग या क्राइंग तक एस्मा को ट्रिगर कर सकता है। कुछ रेयर केसेस में परफ्यूम्स की स्मेल या अदर टाइप की फ्रेग्रेंसेस और एसिड रिफ्लक्स भी एस्मा को ट्रिगर कर सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स को कॉमनली कौन से सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त या सीवियर कंडीशंस में इवन एट रेस्ट सांस की तकलीफ होना। दूसरा सिम्टम होता है वीजिंग, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आना। तीसरा सिम्टम हो सकता है एक्सेसिव कॉफ, खांसी, और ये खांसी स्पेशली रात के वक्त पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ देती है। और चौथा सिम्टम होता है टाइटनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट पर दबाव महसूस होना। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है। पहला टेस्ट होता है पीक फ्लो मीटर, जिसमें पेशेंट की लंग कैपेसिटी को टेम्परेरली असेस किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट, जिसमें पेशेंट की ब्रीदिंग कैपेसिटी को डिटेल में असेस किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करने का पर्पस ये होता है कि ये पता लगाया जाए कि पेशेंट की सांस की तकलीफ का कारण ब्रोंकियल एस्मा छोड़ के कोई और बीमारी है या नहीं। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि IgE लेवल्स करने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी का फाउंडेशनल ट्रीटमेंट होता है इन्हेलेशनल थेरेपी, जो कि 3 तरीके से दी जा सकती है। MDI यानी कि मीटर डोज इनहेलर, सेकेंड होता है DPI यानी कि ड्राई पाउडर इनहेलर, और तीसरा होता है नेबुलाइजेशन के थ्रू। फ्रेंड्स, इन्हेलेशनल थेरेपी में 2 टाइप की दवाएं यूज होती हैं। एक होती है ब्रोंकोडायलेटर्स और दूसरे होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जैसे ही लोग स्टेरॉइड्स का नाम सुनते हैं, उन्हें मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं कि क्या साइड इफेक्ट होगा, लेने से कुछ नुकसान होगा क्या शरीर को। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रोंकियल एस्मा की इन्हेलेशनल थेरेपी में यूज किए जाने वाले स्टेरॉइड्स बहुत ही कम मात्रा में, मिनिमम डोज में होते हैं, जिसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। 4 एडिशनल टाइप की दवाइयाँ जो कुछ सिलेक्टेड ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स में यूज़ की जाती हैं, वो होती हैं मोंटेल्यूकास्ट, थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन या कि म्यूकोलाइटिक्स। ब्रोंकियल एस्मा की बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लाइफ ब्लिस क्लिनिक ने इस बार इनिशिएटिव लिया है डॉक्टर राजेंद्र केसरवानी, एक फेमस चेस्ट फिजिशियन को बुलाने का, जो कि अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताएंगे कि इन्हेलेशनल थेरेपी में स्पेशली इन्हेलर का सही तरीके से यूज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट पेशेंट्स को एक सही तरीके का रिस्पॉन्स मिले। उसी के साथ साथ दवाओं को छोड़ के, इन्हेलेशनल थेरेपी को छोड़ के कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स पेशेंट अपना सकते हैं, सो दैट उनकी बीमारी जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। फ्रेंड्स, लाइफलेस क्लिनिक में हम स्वागत करते हैं फेमस चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र केसरवानी सर का, जो कि कल्याण के अमेय हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर हैं। वो दमे की बीमारी के साथ COPD और ICU की क्रिटिकल बीमारियों में इंटरेस्ट रखते हैं। राजेंद्र केसरवानी सर से मैं जानना चाहूँगा कि उनके 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस में, जहाँ तक ब्रोंकियल एस्मा के ट्रीटमेंट का सवाल है, उनका क्या एक्सपीरियंस है कि इन्हेलर के बारे में लोगों के मन में क्या भ्रांतियाँ हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर सुमित। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन्हेलर्स आर द कॉर्नर स्टोन, मतलब मेन ट्रीटमेंट है ब्रोंकियल एस्मा के लिए। इन्हेलर्स के बारे में ये है कि अगर हमने उसे सही टेक्निक से लिया
सही टेक्निक मतलब सही तरीका से लिया तो पूरी तरह से जो मेडिसिन है लंग्स में जाते हैं अंदर और डायरेक्टली ब्रोंकियल अस्थमा कंट्रोल करने को हमें बहुत मदद मिलती है। तो मेन पॉइंट ये है कि ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। करेक्ट यूज ऑफ टेक्निक तरीका बहुत ज़रूरी है। करेक्ट टेक्निक के लिए आपके डॉक्टर साहब जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है इनहेलर्स उनसे आप डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहिए। वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में बाकी सब पोर्टल में कि करेक्ट टेक्निक ऑफ इनहेलर्स कैसे लेना चाहिए। प्लस जो इनहेलर हम खरीदते हैं जैसे कि PMDI प्रेशराइज मेट्रोडोज या फिर ड्राई पाउडर इनहेलर्स उसमें इनलेट रहता है जिसमें करेक्ट टेक्निक दिया गया रहता है, चित्रों के आधार पर लिखा हुआ भी रहता है, तो हमको फॉलो करके करेक्ट टेक्निक यूज़ करना चाहिए इनहेलर्स यूज़ करने के लिए और अस्थमा अच्छे से कंट्रोल हो जाता है अगर हमने इनहेलर ठीक से लिया है। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनहेलर्स के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है आम जनता में। जैसा मैं मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन डेज के टाइम मैंने एक स्टडी किया था जनरल पब्लिक और हमारे मेडिकल फैटर्निटी में कि इनहेलर्स के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत शॉकिंग एविडेंस आए थे, बहुत शॉकिंग रिजल्ट आए थे कि बहुत लोग को लगता था कि इनहेलर्स से लत मतलब एडिक्शन होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। इनहेलर्स आर नॉन एडिक्टिव। सेकेंड थिंग, लोगों को लगता था कि टैबलेट ज़्यादा इफेक्टिव है इनहेलर्स से, वो भी गलत है। इनहेलर्स ज़्यादा इफेक्टिव है टैबलेट से क्योंकि इनहेलर्स अगर हमने सही तरीके से लिया तो पूरी तरह से डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं रहता है, पूरा दवा लंग्स में ही काम करता है और इफेक्टिव ज़्यादा फास्ट होता है, टैबलेट से उतना नहीं हो पाता है। थर्ड थिंग था कि हमने पूछा था कि लोगों को कि आपको अगर इनहेलर्स लेने के टेक्निक आते हैं कि नहीं स्पेशली, इसलिए अस्थमा कंट्रोल के लिए करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर विद प्रॉपर टेक्निक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अस्थमा। राजेंद्र सोनी सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट को छोड़ के इनहेलर को छोड़ के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं या इवन फॉर दैट मैटर एक्सासर्बेशन होने से बचा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर सुमित। तो ये जो आपने पूछा है उसको हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें वेरी सिंपल थिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है एनवायरमेंटल कंट्रोल, जिसमें हम एनवायरमेंट के फैक्टर्स जो हैं जिससे अस्थमा बढ़ सकता है जैसे कि फ्यूम्स, तुम्हारा अगरबत्ती, धुआं छाप, परफ्यूम्स, डस्टी एटमॉस्फेयर, पेट्स, ये सबको कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकल कंट्रोल करना है, आपको जीरो तो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है स्ट्रेस कंट्रोल। देखा गया है कि बहुत स्ट्रेस लिया तो अस्थमा एग्जाबेट होता है, तो हमको स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहिए बाय मेडिकेशंस और बाय मेडिटेशन। थर्ड थिंग जो हमको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है एक्सरसाइज, सर्टन एक्सरसाइजेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिससे लंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो जिससे अस्थमा कम तीव्रता से मतलब कम इंटेंसिटी से आ सकता है। कॉमन एक्सरसाइजेज है जैसे बलून फुगाना, कैंडल ब्लो करना, डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट करना, ये सब सिंपल एक्सरसाइज किए तो हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और हमें अस्थमा कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद मिलता है। थर्ड चीज़ है वैक्सीनेशन, जैसे कि कुछ वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, अगर ये हमने अस्थमा पेशेंट को दे दिया तो इससे उनको इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है और जिससे अस्थमा वर्सन होने का चांस कम रहता है और अस्थमा अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकता है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव टीम लाइफलिस की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र केसरवानी सर को मन से थैंक्स बोलना चाहता हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहां आए और ब्रोंकियल अस्थमा रिलेटेड हमारी क्वेरी सॉल्व की। थैंक यू डॉक्टर सुमित सर एंड टीम लाइफलिस, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हमारा ये ब्रोंकियल अस्थमा का इन्फॉर्मेटिव सेशन और वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, मे यू ब्रीथ फ्रीली एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ विच इज हैप्पी एंड हेल्दी।